हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो भाई आज हम देख रहे हैं कि गाली वाली मैडम को पब्लिक ने मेरे ख्याल से रुला दिया है। अब वो देखते हैं कि कैसे अब रुला दिया है, लिटरल सेंस पे रुला दिया कि ओ उस टाइप नहीं, से वो उनको मुझे नहीं रुलाना मुश्किल काम पता। है, उनको तो चलो रुलाना मुश्किल काम है। देखते हैं। तो अगर आपको गाली वाली मैडम का नहीं पता है तो हमारे बाकी पीछे के सर्च करके देख लेना। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोज के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। क्योंकि ये मेरे लिए थोड़ी सी सेंसिटिव बात है, मैं महिला हूँ। जब मुद्दे में बहस करने की क्षमता नहीं होती तो ऐसे ही गोल पोस्ट चेंज किए जाते हैं। आपको ऐसा लगता आपके है? विषय में बात करिए, बिल्कुल से बात करेंगे। आपकी मैडम बार बार बोल रही है मैं एक महिला हूँ, मैं एक महिला हूँ। क्या ये तीनों यहाँ पे महाशय खड़े बोल रहे हैं मैं एक मर्द हूँ, मैं एक मर्द हूँ? तालियों की रिहाई की बात हो रही है तो यहाँ तालियां बज रही है, ये दुख की बात है। ठीक है, जिस विषय पर बहस हो रही है उसके ससुर ने बलात्कार किया, उसके बाद फतवा जारी हो गया कि वो अपने ससुर की पत्नी यानी पति की माँ हो गई और उसके बाद ये चुप रहे। ये सब बोला महिला सम्मान का, मैं कहना चाहूंगा कि महिला सम्मान जब हलाला का बात आता है, जब एक खास समाज के लोगों द्वारा महिलाओं को उपभोग की वस्तु की तरह समझा जाता है तो उस समय ये महिला सम्मान की बात कहां चली जाए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द डिबेट शो। दोस्तों आज की डिबेट वीडियो होने वाली है ऑडियंस सुधांशु त्रिवेदी और कांग्रेस के प्रवक्ता सुप्रसन्नेत के बीच में। दोस्तों डिबेट चल रही थी वीर सावरकर पे, लेकिन मैडम के पास जब सावरकर पे बोलने के लिए कुछ नहीं था तो वो मुद्दा लेके आ गई नारी सम्मान का। लेकिन दोस्तों नारी सम्मान के मुद्दे में भी ऑडियंस और सुधांशु त्रिवेदी ने मैडम की एक न चलने दी और मैडम को मुंह की खानी पड़ी। दोस्तों वीडियो बड़ी शानदार होने वाली है, आपसे अनुरोध अंत तक जरूर देखना। चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। चलिए मेन वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। बलात्कारियों को छोड़ना ठीक था या नहीं था? हाँ या ना में जवाब दीजिए ना। आप तो बलात्कारियों को जस्टिफाई करना नहीं ठीक था, बस सौ बातों की बात हो गई, बाकी तो उनको बात को लेकर वोट देने दे। हाँ कि नहीं ठीक था? बस सौ बातों की बात, ये क्यों नहीं बोल पा रहे? हाँ या ना? सुधांशु मैं महिला हूँ। जब मुद्दे में बहस करने की क्षमता नहीं होती तो ऐसे ही गोल पोस्ट चेंज किए जाते हैं। आपको ऐसा लगता है? आपके विषय में बात करिए, बिल्कुल से बात करेंगे। आप लोगों को आपकी बात का जवाब दे दिया, मुद्दे में बात करिए जिस पे आप टॉपिक चेंज कर दिया ना। आप ताली बजा रहे हैं। बिल्किस बानो के 11 बलात्कारियों को छोड़ा गया। अंजना जी, हम लोग ऐसे सावरकर पर बात कर रहे हैं और घूम फिर के सुई वहीं पहुंच जाती है। एक मिनट सुनिए, बड़ी समस्या है। वही तो टॉपिक ही नहीं है। मैडम से है कि मैडम बार बार बोल रही है मैं एक महिला हूँ, मैं एक महिला हूँ। क्या ये तीनों यहाँ पे महाशय खड़े बोल रहे हैं मैं एक मर्द हूँ, मैं एक मर्द हूँ? आपने टॉपिक को सावरकर से पूरा कन्वर्ट करके एक वुमन कार्ड प्ले करने लगी। गुड। बच्ची ने मुझसे कहा मैंने वुमन कार्ड खेला, बच्ची ने। और मैंने क्यों कहा कि मैं एक महिला हूँ और मैं ये बोल रही हूँ? क्योंकि ये पुरुष बलात्कारियों की बात नहीं करेंगे। ये पुरुष जो एमएलए बन जाते हैं गुजरात में, वो कहते हैं ये संस्कारी लोग हैं। ये पुरुष जब एमएलए बन जाते हैं तो कहते हैं जिन लड़कियों का रेप होता है वो गन्ने के खेत में ही क्यों पाई जाती है। ये पुरुष जब एमएलए बन जाते हैं, कुलदीप सिंह सेंगर बन जाते हैं, तो लड़की का रेप और उसके पिता की हत्या करते हैं। इसलिए एक महिला को बोलना जरूरी है। थोड़ा सा दुख और खेद दोनों है मुझे इस यहाँ पे आए हुए लोगों में। उम्मीद दिखती है लेकिन मुझे खेद भी है कि जब बलात्कारियों की रिहाई की बात हो रही है तो यहाँ तालियां सब सुन रहे हैं चुपचाप, कोई बोले नहीं। जिस विषय पर बहस हो रही है उसको पूछना चाहती हूँ। ये इस देश के लिए सेंसिटिव इशू है। आपको हमने सवाल पूछने दिया नहीं पूछने दिया? जवाब पूछा, वो बोलने नहीं देगी। सब जब वो बोलते चुप रहे, जवाब नहीं दे रहे इमराना का फतवा याद है? इमराना के साथ उसके ससुर ने बलात्कार किया, उसके बाद फतवा जारी हो गया कि वो अपने ससुर की पत्नी यानी पति की माँ हो गई और उसके बाद ये चुप रहे। सुरेंद्र ये लोग आगे बात करते हैं स्त्रियों की, उसकी बात की बात। चार बीवी पे क्या कहना है? चार बीवी पे बोलिए, चार बीवी पे। आप चार बीवी को बोल रहे हैं बलात्कारियों का क्या कहना है? चार बीवी की बात करने वाले बलात्कारियों को बोल रहे हैं बलात्कारियों का क्या बोल रहे हैं? बलात्कारियों का ही है। और यदि आप बलात्कारों की बात कहते हैं तो जब ये सेंटेंस बोला गया था कि कश्मीर छोड़ के चले जाओ और अपनी लड़कियों को छोड़ के जाओ, तब उसे क्या लिखा था भाई? आज तक कभी बोला इसके लिए? नारी का सम्मान, नारी का सम्मान। नैना साहनी को तंदूर में जलाने से लेके मंदिर छोड़ने जाना, बता रहा हूँ हमेशा इतिहास की आप बताइए। ये इतिहास नहीं तो 12 साल पुरानी बात है। सुप्रिया जी जवाब सुनिए। और वहां से लेके मंदिर जाते हैं लड़कियों के साथ छेड़खानी करने से लेके, और पत्नी पुरानी हो जाती है तो कैसा कैसा शब्द बोलने वाले लोग इस प्रकार के आकर जब वक्तव्य देते
देते हैं, और तो और लड़कों से गलती हो जाती है के साथ गठबंधन को लालायित रहते हैं, फिर वो आकर जब यहाँ प्रवचन देते हैं तो ये लगता है कि ये वास्तविकता में इनके अंदर क्या है। और बारह वो छोड़िए, मैं पुराने गिना चाहता भवानी देवी कांड और वो सब, वो तो बहुत सारी चीजें हैं, वो एक अलग विषय, परंतु आज का विषय बिल्कुल मैं बता रहा हूँ, हमारे यहाँ कभी ऐसा नहीं हुआ कि हमारे किसी नेता को, हमारी किसी महिला नेता को हमारी पार्टी के नेता ने तंदूर में नहीं जलाया। सम्मान का हम बात करते हैं, और मैम ने भी जैसा बोला महिला सम्मान का, तो मैं कहना चाहूंगा कि महिला सम्मान जब हलाला का बात आता है, जब एक खास समाज के लोगों द्वारा महिलाओं को उपभोग की वस्तु की तरह समझा जाता है, तो उस समय ये महिला सम्मान की बात कहाँ चली जाती है, उस समय लोग महिला सम्मान के लिए क्यों नहीं खड़े होते। सौ बातों की एक ही बात है, हमारे किसी नेता ने कभी नहीं कहा लड़कों से गलती हो जाती फिर सब चलता है, आप उनके साथ गठबंधन में फिर सौ बात की। बात ही ऐसी कर रही है जब है ही नहीं डिबेट वो दोस्तों नारी सम्मान की बात बहुत जरूरी है और वो होनी भी चाहिए, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, लेकिन कांग्रेस जैसी पार्टी जब नारी सम्मान की बात नारी का धर्म देखकर करती है क्योंकि उन्हें कुछ वोट में फायदा हो सकता है, तो दोस्तों वो गलत है और उसका ऐसा ही जवाब मिलना चाहिए। दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताना, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। तो फ्रेंड्स मजेदार था देखने में कि कैसे, इसमें क्या सीखा हमने कि जब आपको डिबेट में बोलने के लिए मटेरियल नहीं हो तो डिबेट को कैसे टर्न किया जाना चाहिए, वो आज सीखा गया है। वुमेन कार्ड खेलो और सब चीजों को यूं टर्न करके किसी और जगह ले जाओ। इतनी बार उनको बोला यार मुद्दे पे आओ मुद्दे पे आओ, वो मुद्दे पे आने ही नहीं चाहती थी। उन्होंने वुमेन का इशू लेके शुरू हो गई, पर उसमें भी उनकी चॉप की गई, ऐसी चॉप की है कि भाई तुम लोग रिलीजन के हिसाब से देखते हो कि भैया वुमेन की राइट्स कब होती और कब नहीं होती। और जिस तरह से वो बता रहे थे कि मैंने भी सुना था एक में कि किसी ने मिनिस्टर ने बड़ा गलत वर्ड्स यूज़ किए थे कि लड़कों को, मतलब लड़कियों को ब्लेम कर रहे हैं कि उनके साथ जो जिस तरह से होता है वो लड़कियों की गलती है, आई मीन बिकॉज दे वेयर क्लोथ्स ऑफ दोज काइंड्स, इसलिए ये सब उनके साथ होता है। तो इस टाइप का कुछ भी बोला गया है, कई मिनिस्टर्स ने ये भी बोला है, पर मेन है कि भैया जब डिबेट इस बात पे हो रही है तो व्हाई आर यू नॉट टॉकिंग ऑन द टॉपिक, एंड अगर आपके पास टॉपिक का बोलने का है नहीं तो आप चुप रहो यार, बोलो भाई चुप रहो, तुम कहीं से कहीं पहुंच गई हो। दिस वॉज रियली अमेजिंग, और पब्लिक ने तो किया सच्ची में। वही देखिए वही अभी स्टाइल है कि बीच में बात एक हो रही है, अपनी बात बीच में लेके आनी, कुछ बना देंगे, फिर दूसरों की बिल्कुल नहीं सुननी, अपनी बात को लेके आगे जाने तक। इसमें ये अच्छा कि एटलीस्ट ऑडियंस को मौका मिल रहा है बोलने का, उसी वक्त ही उन्होंने अच्छे जवाब दिए, राइट। मगर उनका अभी भी वही हालत है कि कहीं से कहीं ले जा रही हैं और तरीके से पूछ रहे हैं यस और नो, जब उन्होंने बोला यस और नो तो इनकी कोई यस और नो नहीं है। तो बाद में जो है उन्होंने भी कहा ना कि अब तुम पहले पूछ रही थी मुझसे यस और नो, अब मैं तुमसे पूछता हूँ यस और नो, तो कोई उन्होंने जवाब नहीं दिया। तो वो तो है ही, तो तरीका ही गलत है पूरा एड्रेस करने का, मगर काफ़ी थोड़ा तो क्योंकि थोड़े कट किया था इसमें, मगर इतना ये था कि लग रहा था थोड़ा सा पहले से इम्प्रूवमेंट है। पहले तो कोई बात आप किसी की सुन ही नहीं सकते थे, पूरा मतलब एक दूसरे पे इंटरसेक्ट हो रहा था, गाली वाली मैडम को थोड़ी वार्निंग मिली है लगता है। अब कुछ इंटरसेक्ट हो रहा है, मगर ऐसा नहीं हो रहा कि आप किसी की बात भी ना सुन पाए। होता है नहीं, इसमें मैं ये भी देखा है कि ये जब बोलती हैं तो बाकी लोग बीच में इतना नहीं इनको इंटरप्ट करते, चुपचाप सुनते, पर ये किसी को बोलने ही नहीं देती, बीच में बोलती जाएंगी। जैसे वो बोलने की कोशिश कर रहे थे, ये जो है बोली जा रही थी, उनको इवेंचुअली आंख बंद करके कि भाई मैं फोकस करके अपना बात तो खत्म कर दूं, वो बेचारे आंख बंद करके ऐसे ऐसे जल्दी से अपनी बात खत्म कर रहे थे। शी इज लाइक आई डोंट नो, शब्द नहीं है इनके बारे में। नहीं, अब मुझे पता नहीं कि इनकी अभी क्या रैंक है कांग्रेस में, मुझे पता नहीं कि इनको प्रमोट किया है नहीं किया, कि ये आगे बढ़ी कर दी है, क्या ये इलेक्शन में लड़ती हैं, किसी को कौन वोट देगा यार, क्या सिचुएशन क्या है, सिर्फ ये स्पोक्समैन ही है कि उसे आगे कुछ बढ़ के कुछ इलेक्टेड मेंबर भी बन रही हैं। चलो बताना अगर आपको इसकी कुछ जानकारी है। पर सबसे ज्यादा मजा आया कि जो पब्लिक थी, यंगस्टर्स थे, उन्होंने जिस तरह से इनको जवाब दिया ना, दैट वाज जस्ट फैंटास्टिक। तो चलो फ्रेंड्स चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को
हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।